इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, तो एंजाइम जो टाइलिन है वो किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लार में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में क्या होता है कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। इस क्रिया में मुख, गुहा, आहार नाल, ग्रसनी, ग्रसिका आदि भाग लेते हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पित्त के कार्य को कहा जा सकता है, तो पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, पायसीकरण। यकृत एक सहायक पाचन ग्रंथि है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो पित्त का उत्पादन करती है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है, और लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे पूछा जा रहा है अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। चलिए आगे देखेंगे। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस का श्रवण करती है, इसका जो प्रकृति होता है ये क्षारीय होता है। इसमें जल, पित्त, लवण, कोलेस्ट्रॉल, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसका जो पीएच होता है वो इसका जो पीएच होता है पीएच 7.7 होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए, तो इसमें क्या होता है भोजन पाचन के प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। दंत इनामेल जो होता है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। वह विकल्प चुने जो सामान्य तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। ए दिया हुआ है लाल रक्त सवनी संयोजी ऊतक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी आपका सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8 प्रतिशत होता है, तो ये जो आपका होगा ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ से क्या पूछा है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है। चलिए आगे देखेंगे।
आगे दिया है, को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो ध्यान देंगे सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, जिसे सीकम कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसे सीकम कहते हैं।